Hello everyone, I am Jyoti Gupta, Assistant Professor from Department of Journalism and Mass Communication. Kasturiram College of Higher Education, Narela, Delhi 110040 organizes lecture series on our YouTube channel Education with KRCH. So our subject is Basics of Radio Programming and Production. Today we will talk about radio news. So, जब आप रेडियो सुनते हैं तो आप काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में सुनते हैं. रेडियो पे बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल रेडियो टॉक, इंटरव्यूज, डिस्कशंस, कमेंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेडियो न्यूज़. सो अबव ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूज़. न्यूज़ इज़ अ रिपोर्ट of information about current events or happenings, brief summary of day's stories. Okay, मैं आपको एक example देती हूँ. For example, you have two informations. First one is the dog bites a man. Second one is a man bites a dog. Okay, so first of all understand, हमारे पास बहुत सारी information होती है, बट कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी न्यूज़ बनती है. ओके, तो आपको जो इंफॉर्मेशन होती है इस उसकी इम्पॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए. ऑन द इम्पॉर्टेंस, ऑन द प्रॉक्सिमिटी, ऑन द टाइमलीनेस, देर आर वेरियस एलिमेंट्स. उसके बारे में अभी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. बट अभी मैंने आपको बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इसको समझिए कि अगर हमारे पास टू इंफॉर्मेशन हैं, फर्स्ट वन इज द मैन, अ मैन bites a dog, and second one is the dog bites a man. तो dog bites a man ये तो बहुत common है, ठीक है, ये हमारी news नहीं बन सकती. but जो second one है आपका a man bites a dog, ठीक है, ये बहुत ही different है, जो कि हमारी news बन सकती है, जिसमें human interest हो सकता है, लोग इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में सुनना चाहेंगे, उन लोगों का interest है इस चीज़ में, ठीक है. सो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़. देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़: टाइमलीनेस, प्रोमिनेंस, प्रॉक्सिमिटी, इम्पैक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इंटरेस्ट. वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस टर्म्स इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, टाइमलीनेस. टाइमलीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ न्यूज़, ठीक है. जब फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या रेडियो आप सुनते हैं या जब आप टीवी देखते हैं, तो जो न्यूज़ आती है आप उसमें करंट न्यूज़ देखते हैं, ठीक है ना. न्यूज़पेपर में हो सकता है, जब वो अगर प्रिंट मीडिया है आपका न्यूज़पेपर, तो एक दिन पहले की न्यूज़ उसमें कवर होती है, ठीक है, क्योंकि उसका एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, पब्लिश होता है, तो उसमें आपको वन डे लग जाता है. बट अगर हम रेडियो की और टीवी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, तो जो अभी हमारा इंस्टेंट हुआ है, ठीक है, वही हम टीवी पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, रेडियो पे हम वही ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है. तो टाइमलीनेस मीन्स जो अभी हुआ है हमें वही ब्रॉडकास्ट करना है, हमें अपने व्यूअर्स को, अगर हम रेडियो की बात करते हैं उसमें हम लिसनर्स बोलते हैं, हमेशा याद रखना. टीवी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम व्यूअर्स वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो हम लिसनर्स यूज़ करते हैं. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है रेडियो, तो हम लिसनर्स वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है. तो लिसनर्स जब भी न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, यू आर लिसनर. फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि आप लिसनर हो, आप रेडियो सुन रहे हो, तो आप करंट न्यूज़ सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, रादर देन आपको मैं कह दूँ कि 10 days पहले की न्यूज़ है, 5 days पहले की न्यूज़ है. नो, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज जो 5 दिन पहले की न्यूज़ है, 10 दिन पहले की न्यूज़ है, वो आपके लिए ओल्ड हो गई है, ठीक है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है. हाँ, अगर उस पर अपडेट है तो वो एक अलग मैटर है, बट करंट न्यूज़ को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. सेकेंड वन इज प्रोमिनेंस. प्रोमिनेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़ फ्रॉम द लिसनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो न्यूज़ की क्या इम्पॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम न्यूज़ सेलेक्ट करते हैं. थर्ड वन इज प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस, ठीक है. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, छोटा सा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो आप
दिल्ली की न्यूज पढ़ना ज्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन मुंबई की न्यूज, रादर देन पंजाब की न्यूज, रादर देन हरियाणा की न्यूज। व्हाई? बिकॉज यू बिलोंग दिस स्टेट। अब जो बंदा, जो लिसनर पंजाब में रहता है, वो पंजाब की न्यूज ज्यादा पढ़ना, ज्यादा सुनना प्रेफर करेगा, क्योंकि वो उस जगह को, वहाँ पे वो रहता है, ठीक है, प्रेफर करेगा वो वहाँ की न्यूज, वो उसका इंटरेस्ट वहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। जो हमारी जैसे हमारे नेशनल न्यूज चैनल्स होते हैं, उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं, बट ऐसा माना जाता है जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो अपने स्टेट से ज्यादा होता है। जैसे रीजनल न्यूज पेपर्स होते हैं, ठीक है, रीजनल आपके रेडियो स्टेशन होते हैं, उसमें क्या है, एक रीजन को कवर किया जाता है, जो वहाँ के जो लोकल लिसनर्स होते हैं वो उस न्यूज को सुनना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन द अदर स्टेट्स न्यूज। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट, मीन्स व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ न्यूज ऑन द लिसनर्स, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा न्यूज का, ठीक है, इम्पैक्ट का न्यूज क्या पड़ेगा लिसनर्स के ऊपर। देखो, इम्पैक्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, इम्पैक्ट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। अब जितनी भी न्यूज आती है, क्राइम रिलेटेड न्यूज आती है, उससे क्या होता है, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है कि हम लोग अवेयर होते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी अवेयर रहना चाहिए कि क्या पता कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, ठीक है, तो हम अवेयर हो जाते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है न्यूज का, वो क्या होता है, टू इन्फॉर्म करना, ठीक है, टू अवेयर करना, तो लिसनर्स अवेयर हो जाते हैं। बट अगर उसी का हम नेगेटिव साइड भी देखते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्राइम न्यूज सुनकर ही क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको वहां से आइडियाज मिल जाते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसे को मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो उस न्यूज का लिसनर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड न्यूज, जैसे आपकी वॉर रिलेटेड न्यूज हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारा एलिमेंट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ न्यूज। डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जब भी कोई हम एक न्यूज देते हैं, वो न्यूज हमेशा एक इंडिविजुअल के साथ कंसर्न रखती है, एक सोसाइटी के लिए हम देते हैं, तो एक सोसाइटी का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, एक इंडिविजुअल का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बजट की बात करती हूँ, ठीक है, तो बजट में हम अपने इंटरेस्ट की न्यूज वहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अगर हम ह्यूमन इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग की सबकी अपनी स्लैब्स आती हैं। तो अगर मैं, मेरे को फॉर एग्जाम्पल, मैं मुझे कार परचेज करनी है, ठीक है, तो मैं उस वाली न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगी, ठीक है। किसी जो एक टैक्स पेयर है, उसको अपनी टैक्स स्लैब देखनी है, ठीक है, कि मेरे को अब जो बजट आया है उसमें मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरी क्या स्लैब है, तो मैं उस वाली न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो जो न्यूज़ सेलेक्ट हम लोग करते हैं, वो हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बेसिस पे करते हैं, जो मैंने आपको भी बताया, टाइमलीनेस, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहले की न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे लिए करंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूज़। प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, ठीक है, इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग न्यूज़। जब भी हम न्यूज लिखते हैं रेडियो के लिए, तो हमें क्या क्या गाइडलाइंस यूज करनी चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइटिंग अ न्यूज फॉर न्यूज़पेपर, राइटिंग अ न्यूज फॉर टीवी एंड रेडियो। व्हाई? बिकॉज जब हम प्रिंट मीडिया के लिए हम कोई न्यूज लिख रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा रीडर होता है वो उसको रीड कर रहा है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर उसने एक बार न्यूज पढ़ ली, उसको समझ में नहीं आई, देन ही कैन रीड अगेन एंड अगेन, ओके। अब अगर मैं टीवी की बात करती हूँ, टीवी में जो आपकी न्यूज है, उसमें विजुअल्स भी हैं आपके पास, ठीक है, विजुअल्स को भी हम देख सकते हैं, उसमें आपके पास न्यूज भी आ रही है टीवी पे, और उसमें एंकर बोल भी रहा है, बिकॉज टीवी इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम, बट रेडियो इज एन ओरल मीडियम, इज अ मीडियम ऑफ साउंड ओनली, जिसमें बस आप सुन रहे हो, तो इसमें
हम जो लिखते हैं स्क्रिप्ट उस पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। अब उसमें हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, वो हम अभी इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करें। से इट ब्रीफली, एक्टिव वॉइस, कोटेशंस, एट्रीब्यूशंस, यूज कॉमन वर्ड्स, यूज कॉमन नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नेम्स एंड ग्रामर। सो फर्स्ट पॉइंट इज से इट ब्रीफली, विच मीन्स वी शुड ऑलवेज यूज स्मॉल सेंटेंसेस रादर देन लॉन्ग सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर न्यूज़पेपर में मेरे को कोई लाइन समझ में नहीं आई, किसी का मीनिंग समझ में नहीं आया, देन आई कैन रीड अगेन एंड अगेन। बट रेडियो में अगर प्रेजेंटर ने, जो न्यूज़ प्रेजेंटर है, जब उसने न्यूज़ बोली, अगर मेरे को एज अ लिसनर मुझे नहीं समझ में आया तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं उसको रिवाइंड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, पढ़ने में और सुनने में बहुत डिफरेंस होता है लॉन्ग सेंटेंसेस। तो हमें हमेशा जब हम रेडियो की स्क्रिप्ट लिखते हैं, रेडियो न्यूज़ की स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, रादर देन उसको आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते, छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात बताओगे तो लिसनर्स जल्दी से आपकी बात समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस। आपने वॉइस के बारे में सुना होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो हमें हमेशा अपनी बात डायरेक्ट कहनी है, एक्टिव वॉइस हमें हमेशा यूज करना चाहिए रादर देन पैसिव वॉइस। अब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर सेड, द प्राइम मिनिस्टर सेड, ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस। सेकेंड है, दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत लंबी होगी, मैं बात वही कह रही हूँ, मीनिंग सेम है बट कहने का तरीका अलग है। उसमें मैं एक्टिव वॉइस यूज कर रही हूँ, उसमें मैं पैसिव वॉइस यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो हमें अपनी बात डायरेक्टली बोलनी है, हमें एक्टिव वॉइस यूज करना है। ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस वाइल राइटिंग द रेडियो न्यूज। थर्ड वन इज कोटेशंस, अवॉइड कोटेशंस। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए जब हम लिखते हैं, हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए टू मच ऑफ कोटेशंस। आप एक दो कोटेशंस लिख सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो विदाउट कोटेशन हमारी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लग रही, कई बार हमें मैंडेटरी हो जाता है कि इस कोटेशन के बिना हम अपने लिसनर्स को अपनी बात इफेक्टिवली कन्वे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरी स्क्रिप्ट में पता चला कि 8-10 कोटेशंस ही डाल दिए, तो बहुत ज़्यादा कोटेशंस भी नहीं डालने, क्योंकि कोटेशंस को समझना लिसनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और जहाँ आप कोटेशंस डाल रहे हो वहाँ आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन। ठीक है, तो कोटेशन हमेशा अवॉइड करो, बट अगर डाल भी रहे हो, एक दो कोटेशंस चलती हैं, अगर डाल भी रहे हो तो उसे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूशंस, एट्रीब्यूशंस मीन्स डेजिग्नेशंस। ठीक है, जब अगर आप मोदी की बात करो, नरेंद्र मोदी की बात करो, तो यू शुड ऑलवेज यूज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर शर्मा, जो भी नाम है, तो जो डेजिग्नेशंस हैं उनकी वो आपको हमेशा यूज करनी है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूज कॉमन वर्ड्स। यूज कॉमन वर्ड्स मीन्स जो हमारी लेमैन लैंग्वेज होती है, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं हमारी लैंग्वेज के, हमें सिर्फ वही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, ठीक है, हिंदी में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। जब हम हिंदी बोलते हैं तो जो हमारी कॉन्वर्सेशन टोन होती है, जो कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज हमारी होती है, वो डिफरेंट होती है अगर मैं प्योर हिंदी की बात करती हूँ तो। ठीक है, अगर आप प्योर हिंदी के वर्ड्स देखते हैं तो वो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा कॉमन वर्ड्स यूज करने चाहिए जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 4590,
ये इतना लंबा बोलने के बजाय आप यूज करो अप्रोक्सीमेट 5,000। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको इग्नोर करने हैं, ठीक है, क्योंकि जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको हो सकता है कि 4,590 याद ना रहे, बट अगर आप बोलोगे कि अप्रोक्सीमेट 5,000 तो वो आपके लिसनर्स को ज़्यादा याद रहेंगे, वो जल्दी याद रहेंगे, उनके माइंड में वो बात बैठ जाएगी कि हाँ उसने जो प्रेजेंटर था उसने ये जो न्यूज़ बताई थी उसमें 5,000 पीपल के बारे में बात की थी। ठीक है, तो हमेशा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स अवॉइड करने चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, कॉम्प्लेक्स नेम्स। कॉम्प्लेक्स नेम्स मीन्स जो डिफिकल्ट नेम्स होते हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो जो फर्स्ट टाइम जब आप स्क्रिप्ट में ये नाम लिखेंगे तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, बट उसके बाद अगर वो नाम रिपीट हो रहा है स्क्रिप्ट में तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज ओनली मिस्टर अय्यर। ठीक है, किसी भी नाम में अगर फर्स्ट नेम इजी है या सेकंड नेम इजी है तो उस वाले नेम को आप यूज कर सकते हो, जो डिफिकल्ट वर्ड है जो कॉम्प्लेक्स नेम है आपका उसको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, क्योंकि बार 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 वो डिफिकल्ट वर्ड सुनना और बोलना प्रेजेंटर के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम बता दिया अपनी स्क्रिप्ट में उसके बाद आप सिर्फ बोल रहे हो मिस्टर अय्यर, तो लिसनर्स समझ सकते हैं आपकी बात को कि हाँ आप सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट ऐसा नहीं है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, कि ग्रामर पे फोकस करने के चक्कर में लिसनर्स आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, लिसनर्स तक हम अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमें न्यूज़ देनी है कि इतने स्ट्रिक्ट आपने रूल्स उसमें फॉलो कर दिए, ठीक है ग्रामर मैटर करती है, बिल्कुल ये भी नहीं है कि बिल्कुल गलत ग्रामर होनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि 100% आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि जिसके वजह से हम अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द न्यूज़। से इट ब्रीफली, एक्टिव वॉइस, कोटेशंस, एट्रीब्यूशंस, यूज कॉमन वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नेम्स एंड ग्रामर। नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ रेडियो न्यूज बुलेटिन। बेसिकली मैं आपको बता दूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूज़ बुलेटिन। जब आप रेडियो में कभी भी न्यूज़ बुलेटिन सुनेंगे, AIR पर जब भी आप न्यूज़ बुलेटिन सुनेंगे, तो आपको टू टाइप्स के न्यूज़ बुलेटिन मिलते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट न्यूज़ बुलेटिन एंड लॉन्ग न्यूज़ बुलेटिन। अब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्ट्रक्चर है लॉन्ग न्यूज़ बुलेटिन का। ठीक है, शॉर्ट न्यूज़ बुलेटिन में क्या होता है, जस्ट आपकी हेडलाइंस होती है और आपकी लीड स्टोरीज होती है। ठीक है, उसमें आपकी क्लोजिंग हेडलाइंस और क्लोजिंग स्टोरीज नहीं होती है। बट हम जो लॉन्ग न्यूज़ बुलेटिन के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें आप शॉर्ट न्यूज़ बुलेटिन के बारे में भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं वो है हमारा, फर्स्ट वन इज हेडलाइंस, सेकेंड इज लीड स्टोरीज, थर्ड इज क्लोजिंग स्टोरीज एंड देन क्लोजिंग हेडलाइंस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी ड्यूरेशन होती है न्यूज़ बुलेटिन की वो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक होती है। ठीक है, शॉर्ट न्यूज़ बुलेटिन हमारा 15 मिनट्स, लॉन्ग मैक्स टू मैक्स हमारा 30 मिनट्स तक जाता है। ठीक है, बट 15 मिनट्स से कम भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी हम आगे डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो 5 मिनट्स का भी होता है, बट यहाँ पे मैं जनरली बात कर रही हूँ कि जनरली जो आप AIR पर न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं उसकी ड्यूरेशन 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज हेडलाइन। यू ऑलरेडी नो अबाउट द हेडलाइंस, व्हाट इज हेडलाइन, जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, वो 5 भी हो सकती है, वो 6 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर कि वो नंबर ऑफ हेडलाइंस कितनी ले रहा है। ठीक है, तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट हमारी न्यूज़ होती है उसको हम सबसे पहले, जब हमारा रेडियो न्यूज़ प्रोग्राम स्टार्ट होता है
वी स्टार्ट अवर प्रोग्राम विद हेडलाइन। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम सबसे पहले ब्रीफ कर देते हैं हेडलाइन की फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज लीड स्टोरीज। लीड स्टोरीज मीन्स इम्पॉर्टेंट स्टोरीज। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी हमारे पास स्टोरीज होती है। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप रेडियो में भी वर्क करते हैं या फिर किसी न्यूज़ चैनल में भी वर्क करते हैं, वहाँ पे एक हम एक टर्म बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूज़ पूल, ठीक है। जैसे स्विमिंग पूल होता है ऐसे ही न्यूज़ पूल होता है। न्यूज़ पूल मीन्स हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ होती है, हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वी डिसाइड कि कौन सी स्टोरी आगे जाएगी, कौन सी स्टोरी आगे लीड करेगी, ठीक है, कौन सी स्टोरी लिसनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट। उसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 स्टोरीज हैं, 20 स्टोरीज हैं आपके पास, बट उसमें से ऐसी न्यूज़ भी होंगी जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर न्यूज़। 10 स्टोरीज में से 5 स्टोरीज और 4 स्टोरीज ऐसी होंगी जो लीड करेंगी, जिसकी इम्पोर्टेंस, जिसकी रेलेवेंस, जिसकी प्रॉक्सिमिटी, उसका ह्यूमन इंटरेस्ट अगर हम देखें लिसनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस स्टोरी में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर 5 न्यूज़, ठीक है। तो लीड स्टोरीज में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी न्यूज़ होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लीड स्टोरीज में हम उन वाली स्टोरीज को थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं अपने लिसनर्स को, उसके बारे में डिटेल बताते हैं। हेडलाइन में तो सिर्फ हम हेडलाइन बता रहे हैं, बट लीड स्टोरीज में उसको थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोजिंग स्टोरीज। क्लोजिंग स्टोरीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द लीड स्टोरीज, ठीक है। इसमें मैं बात करती हूँ, आपका स्पोर्ट्स न्यूज़ आ जाती है, वेदर न्यूज़ आ जाती है आपकी, ठीक है। अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स सेक्शन होता है, वेदर सेक्शन होता है, एजुकेशन सेक्शन होता है, वो आपका पीछे होता है। उसमें भी हम इम्पोर्टेंस के बेसिस पे पब्लिश करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप टीवी देखते हैं, टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, जब उसमें हमारी जो हेडलाइंस आती हैं या फिर जो हमारी लीड स्टोरीज होती हैं, वो जनरली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलेट होती है, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा होती है लीड स्टोरीज में। इसी तरीके से रेडियो न्यूज़ में अगर हम बात करें तो जो क्लोजिंग स्टोरीज होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट उसमें हम कौन सी स्टोरीज इंक्लूड करते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ करते हैं, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स न्यूज़ हम हमेशा ही क्लोजिंग स्टोरीज में कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप हुआ या आईपीएल हुआ, ठीक है, उस टाइम पे स्पोर्ट न्यूज़ हमारी लीड स्टोरीज में कवर होगी। लास्ट टर्म इज क्लोजिंग हेडलाइंस। क्लोजिंग हेडलाइंस मीन्स जब हम लास्ट में अपने प्रोग्राम को समअप करते हैं, उसमें हम एक बार क्लोजिंग हेडलाइंस देते हैं। क्यों देते हैं, टू समराइज द होल बुलेटिन। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे लिसनर्स होते हैं उन्होंने लेट ट्यून किया अगर रेडियो प्रोग्राम आपका, तो उन्होंने अगर मिस कर दिया आपकी स्टार्टिंग वाली हेडलाइन, तो वो क्लोजिंग हेडलाइन से अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ मिस नहीं होती। इसीलिए ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लास्ट में भी क्लोजिंग हेडलाइंस डालें। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूज़ बुलेटिन्स। अब हम यहाँ पे टाइप्स की बात करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स, रेगुलर न्यूज़ बुलेटिन, स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन, डिजास्टर बुलेटिन एंड वीकेंड बुलेटिन्स। सो वन बाय वन चलो इसे डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट जो है हमारा रेगुलर बुलेटिन। रेगुलर बुलेटिन मीन्स जो रेगुलर बेसिस पे हमारा आ रहा है, जो हमारा डेली बेसिस पर आ रहा है हमारा, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन हमारी फिक्स है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ये फिक्स है कि अगर हमारा 9 बजे का बुलेटिन है तो वो आना ही आना है, फिक्स्ड हमारा स्केड्यूल में फिक्स है। हमारा 8 o'clock का बुलेटिन है तो वो आना ही आना है, रेगुलर बेसिस पे है। उसमें हेडलाइंस कौन सी जाएंगी, लीड स्टोरीज कौन सी जाएंगी, इट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द न्यूज़, इट डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूज़, ठीक है। सेकेंड हमारा है स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन।
स्पेशल न्यूज बुलेटिन ओनली ब्रॉडकास्टेड ऑन द स्पेशल ओकेजन फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप. अनदर एग्जाम्पल बजट, जब आपका बजट आता है तो वो आपके स्पेशल न्यूज बुलेटिन होते हैं. इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू द रेगुलर बुलेटिन. ठीक है, जो स्पेशल है, जो कभी कभी आ रहे हैं, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, स्पेशल ओकेजन्स पर आते हैं. अब वर्ल्ड कप हुआ या फिर जब बजट आया तो हमें सारे लिसनर्स के बारे में ध्यान में रखना है. ठीक है, कुछ लिसनर्स हो सकते हैं जो ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्टेड हो, कुछ लिसनर्स हो सकते हैं जो आपके टैक्स पेइंग जो स्कीम आई है गवर्नमेंट ने शो करी है उसमें इंटरेस्टेड हो, तो उसमें हम पूरा डिटेल में बताते हैं. अगर हम स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में भी अपने लिसनर्स को डिटेल में नहीं बताएंगे तो लिसनर्स फिर इंफॉर्मेशन उनको कैसे मिलेगी, क्योंकि रेगुलर में तो सिर्फ रेगुलर है. स्पेशल मीन्स किसी एक टॉपिक के ऊपर है, स्पेशल है, उससे रिलेटेड आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी, डेप्थ में मिलेंगी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिज़ास्टर बुलेटिन. डिज़ास्टर बुलेटिन मीन्स फॉर एग्जाम्पल सुनामी. ठीक है, जब कोई भी नेचुरल कैलमिटी आती है तो उस टाइम पे जो हमारा बुलेटिन हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं डिज़ास्टर बुलेटिन. ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है उन लोगों के लिए जो लोग कहीं फंस गए हैं. ठीक है, अब किसी की फैमिली से कोई बंदा कहीं बाहर गया हुआ है, उसे पता चला कि वहाँ पर सुनामी आ गई, वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, तो वो लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं अप टू डेट इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं डिज़ास्टर बुलेटिन में. उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मास कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है वो रेडियो को प्रेफर किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि रेडियो की रीच सबसे ज़्यादा है. जो लोग फंसे हुए होते हैं वहाँ पे वो लोग न्यूज़पेपर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो लोग टीवी एक्सेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो लोग रेडियो एक्सेस कर सकते हैं. अब जैसे फ़ोन इन प्रोग्राम्स आते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ़ोन इन प्रोग्राम्स दे कैन कॉन्टेक्ट विद देयर रिलेटिव्स ऑल्सो. ठीक है, बट अभी हम यहाँ पर हम फोन इन प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पर हम सिर्फ न्यूज़ की बात कर रहे हैं. तो न्यूज़ की हेल्प से भी वो अपडेटेड हो जाते हैं, उनको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है. अब टीवी में जो टाइम होता है ब्रॉडकास्ट का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. कोई न्यूज़ आई उसके ऊपर पहले वर्क होगा, एडिटिंग होगी शॉर्ट्स की, उसके बाद वो लोग ब्रॉडकास्ट करें. बट रेडियो पर ऐसा नहीं है, रेडियो पर जैसे ही न्यूज़ आई वो लोग ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट वन इज़ वीकेंड बुलेटिन. वीकेंड बुलेटिन की जो ड्यूरेशन होती है वो जनरली ज़्यादा होती है, इट मे बी अप टू 1 आवर. वाई? बिकॉज इसमें हम पूरे वीक की जो न्यूज़ होती है उसको समराइज करते हैं, उसके पूरे वीक के बारे में बताते हैं. जैसे वीकली न्यूज़पेपर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो एक डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं, एक वीकली न्यूज़पेपर्स होते हैं. तो वीकली वाले में क्या होता है, हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं देते कि अगर हम डेली से कंपेयर करें कि तो वीकली न्यूज़पेपर तो इतना मोटा हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही रेडियो में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन जो पूरे वीक की हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे हफ्ते की हमारी एक या दो इन्फॉर्मेशन या एक या दो जो हमारी न्यूज़ है वही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है लिसनर्स के लिए, नहीं. तो नंबर ऑफ न्यूज़ स्टोरीज इसमें हमारे पास ज़्यादा होती है, डेट्स वाई हमारा जो ड्यूरेशन होता है इस प्रोग्राम का वो एक्सटेंड कर जाता है. तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आप कहोगे मैम जब रेगुलर बेसिस पे आ रहा है हमारा प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं हमारे, तो वीकेंड बुलेटिन की क्या ज़रूरत है? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्विस क्लास हैं या फिर जो उनका स्केड्यूल ऐसा है कि वो लोग बिजी हैं, वो लोग न्यूज़ नहीं देख पाते हैं, बट दे वांट टू बी अपडेटेड. तो वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको पता है कि उनका संडे ऑफ है तो वीकेंड में वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीकेंड बुलेटिन्स. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. यहाँ पे भी हम न्यूज़ बुलेटिन की बात कर रहे हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. आप लोग देखते हैं मॉर्निंग में भी आता है, आफ्टरनून में भी आता है, इवनिंग में भी आता है, लेट नाइट भी आता है. ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है.
हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो इवनिंग न्यूज बुलेटिन आता है या जो हमारा प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन आता है सिर्फ वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भी मॉर्निंग वाला तो कौन देखता होगा या आफ्टरनून वाला कौन देखता होगा, ऐसा नहीं है। हर न्यूज बुलेटिन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, एक अपनी रेलेवेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, जो कि हमारा अर्ली मॉर्निंग आता है, ठीक है, फर्स्ट बुलेटिन हमारा 6 o'clock ब्रॉडकास्ट होता है, तो अब वो वाला जो अर्ली मॉर्निंग हमारा हो रहा है उसको कौन सुनता है? अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस, जिन्हें जाना है, ऑफिस गोयर्स होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वो लोग निकल गए अपने घर से, ठीक है। अब किसी की शिफ्ट या किसी का ऑफिस ही 7 o'clock का है, ठीक है, तो वो अपने घर से 5 o'clock या 6 o'clock जब निकल रहा है तो जब तक तो उसके पास ना तो न्यूज़पेपर आया घर पे और ना ही वो टीवी चला सकता है सुबह सुबह, ठीक है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, ही कैन लिसन मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अब उसका क्या बेनिफिट है आपको पता ही है कि रेडियो इज़ अ मोबाइल मीडियम, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो वो क्या करते हैं कि अपने मोबाइल पे ही रेडियो चैनल ट्यून कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा है कि वो लोग अपडेट भी हो गए हैं और उनका टाइम भी सेव हो गया। ऑन द वे जाते जाते उन्होंने रेडियो न्यूज़ भी सुन ली, अपडेट हो गए। बट इसमें होता क्या है, मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में आपको जो न्यूज़ मिलेगी वो प्रीवियस डे की मिलेगी और ओवरनाइट की मिलेगी। ओवरनाइट न्यूज़ बहुत कम होती हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि रात को कहीं पे एक्सीडेंट हो गया। पॉलिटिकल न्यूज़ तो नहीं होती रात को, ज़्यादातर एक्सीडेंट की ही न्यूज़ होती है, ठीक है। तो जो उससे पहले दिन की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो, और ओवरनाइट की अगर कोई न्यूज़ है वो न्यूज़ हम मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में कवर करते हैं, ठीक है। देन आफ्टरनून न्यूज़ बुलेटिन, आफ्टरनून न्यूज़ बुलेटिन इंक्लूड्स द न्यूज़ अप टू आफ्टरनून, ठीक है। दोपहर तक हमारे पास जब भी हमारा बुलेटिन चल रहा है, जब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक हमारे पास जो भी न्यूज़ है उसमें हम वो कवर करते हैं। प्रीवियस डे की न्यूज हम तब कवर करेंगे अगर उस न्यूज पे कोई अपडेट है या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अदरवाइज हम उसको स्किप कर देंगे। क्यों स्किप कर देंगे? क्योंकि आफ्टरनून में जब हमारा बुलेटिन जाता है, जब तक हमारे पास बहुत सारी न्यूज आ गई होती है, मॉर्निंग में तो हमारे पास न्यूज इतनी होती नहीं है, इसलिए हम प्रीवियस डे की न्यूज को ही समराइज करते हैं। बट आफ्टरनून तक हमारे पास बहुत सारी न्यूज होती है, तो हम प्रीवियस डे की अगर कोई न्यूज़ है उस पर कोई अपडेट है या फिर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है तभी हम उसको कवर करते हैं, अदरवाइज हम इसमें मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक जो न्यूज़ होती है उसे ही हम कवर करते हैं, ठीक है। बट द लिसनरशिप ऑफ द आफ्टरनून न्यूज़ बुलेटिन इज लो एज कम्पेयर टू द मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आफ्टरनून में आप देखोगे जो जितना भी वर्किंग स्टाफ है, जो भी बिजनेस क्लास है या सर्विस क्लास है, सब उस टाइम पे बिजी हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर हम हाउसवाइफ्स की बात करें तो वही उस टाइम पे फ्री होती है। तो अगर हम मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन से बात करते हैं तो आफ्टरनून न्यूज़ बुलेटिन की लिसनरशिप कम हो जाती है। नेक्स्ट इज इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन। इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन जो 6 बजे आ रहा है आपका, 7 बजे आ रहा है आपका न्यूज़ बुलेटिन, इसकी लिसनरशिप सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर न्यूज़ बुलेटिन। अगर आप टीवी पे भी देखते हो, जब आप अपने घर जाते हो या आपके फादर आए ऑफिस से आए या बिजनेस है, जब भी वो लोग आते हैं तो जब आप न्यूज़ चैनल ओपन करते हो तो उस टाइम पर जो टीवी की व्यूअरशिप होती है वो बढ़ जाती है, उस टाइम पर जो देखने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से रेडियो पर अगर हम बात करते हैं तो शाम को जो न्यूज़ आती है, जो इवनिंग न्यूज़ हमारी होती है, उसकी लिसनरशिप ज़्यादा होती है, उस टाइम पे ज़्यादा लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फ्री हो गए, कॉलेज से आ गए, स्कूल से आ गए, ठीक है, बिजनेस क्लास है वो भी आ गए, सर्विस क्लास हो गए, तो उस टाइम पे एक फ्री होते हैं और आते ही एक कहते हैं ना टी टाइम है कि आपने न्यूज़ भी सुन ली। और बहुत सारे आपने ऐसे भी देखे होंगे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अपना रेडियो चैनल रेडियो स्टेशन ऑन किया और साइड बाय साइड वो लोग चाय भी पी रहे हैं, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट है, उनका जो शाम का टाइम है उसमें उनको न्यूज़ भी मिल गई, उनका जो इवनिंग स्नैक्स वाला टाइम है वो भी उनका हो गया।
नेक्स्ट है हमारा लेट नाइट न्यूज़ बुलेटिन। लेट नाइट न्यूज़ बुलेटिन ये हमारा जाता है 12 बजे का लास्ट बुलेटिन हमारा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन के बाद हमारे पास और न्यूज़ नहीं होती हैं जनरली, जो नई न्यूज़ हमारे पास नहीं होती हैं, बाय चांस हो भी सकती हैं बट जनरली नहीं होती हैं। तो जो इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन जो हम कवर करते हैं उसमें से जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है, जो भी इम्पॉर्टेंट लीड स्टोरीज हैं हमारी, उसे हम लेट नाइट न्यूज़ बुलेटिन में कवर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लेट नाइट न्यूज़ बुलेटिन? अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 6 बजे 7 बजे 8 बजे का न्यूज़ बुलेटिन नहीं सुन पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल, ठीक है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, लेट नाइट न्यूज़ बुलेटिन सुन सकते हैं, ठीक है। अब बहुत लोगों को रेडियो रात को सुनने की आदत होती है, 11 बजे 12 बजे रेडियो आप लोग भी सुनते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि न्यूज़ नहीं सुनते, म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात को न्यूज़ सुनते हैं, तो उनके लिए, ऐसे लिसनर्स के लिए हम लेट नाइट न्यूज़ बुलेटिन भी ब्रॉडकास्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्ली न्यूज़ बुलेटिन। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर, हर घंटे में, हर एक घंटे में। बट द ड्यूरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूज़ बुलेटिन इज 2 to 3 minutes और 4 minutes, 5 minutes, hardly 5 minutes, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो 2 programs आते हैं उसके बीच में हम ये न्यूज़ बुलेटिन देते हैं, इट्स लाइक अ फिलर, ठीक है। कि जिसने एक प्रोग्राम सुन लिया रेडियो पे, उसके बाद जब वो दूसरा रेडियो प्रोग्राम सुनेगा तो वो बीच में जो भी न्यूज़ है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अपडेट हो जाए। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम डिटेल में नहीं बताते हैं किसी को भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है उसमें हमारे पास। और जब हम हर घंटे जब हमारा न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो जो फॉर एग्जांपल 7 o'clock हमारा न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट हुआ, अब 8 o'clock तक, अब नेक्स्ट जो न्यूज़ बुलेटिन जाएगा वो 8 o'clock जाएगा, तो 1 घंटे के अंदर इतना कुछ नया नहीं हुआ होता, ठीक है ना। जनरली अब ज़रूरी नहीं है कि हर घंटे में आपको न्यूज़ मिलती जा रही है, जनरली ऐसा नहीं होता। तो जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसी को ही आप नेक्स्ट वाले बुलेटिन में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव जस्ट यही है कि लोगों को इन्फॉर्म करना, किसी का अगर कोई न्यूज़ रह गई है तो उसको अपडेट कर देना, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता कि 7 बजे का बुलेटिन आएगा या 8 बजे का बुलेटिन आएगा। कोई मेन न्यूज़ है तो आपको पता है कि 7 बजे भी आएगा, 8 बजे भी आएगा, 9, तो जब भी आप फ्री हैं उस टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सो उस जल्दी से एक बार हम पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द रेडियो न्यूज़, ठीक है, जो हमारा टॉपिक था। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ द रेडियो प्रोग्राम्स। हम आगे के लेक्चर्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में भी बात करेंगे, फॉर एग्जांपल फोन इन प्रोग्राम्स, कमेंट्री, ठीक है, रेडियो ब्रिज क्या होता है, ये एक न्यू टर्म है आप लोगों के लिए, रेडियो ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे डिफरेंट लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे। बट आज हमने बात करी रेडियो न्यूज़ की, जिसमें हमने बात करी एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग न्यूज़ फॉर रेडियो। Next, we have talked about types of news bulletins on the basis of time. So, this is all about the today's session. Thank you so much. You can subscribe our channel for more videos. Thank you so much.